गुड मॉर्निंग क्लास 8th ए, वेलकम बैक टू अवर क्लास. टुडे इज अवर लिटरेचर पीरियड. इन अवर लिटरेचर पीरियड एज यू नो इट अवर 16 एंड 17 पीरियड अवर एक्सरसाइज इज रनिंग. तो बच्चों आपको पता है कि इन इस चैप्टर में मैंने एक्सरसाइज आपको करा दी है और अच्छे से सभी बच्चों को एक्सरसाइज समझ में आ भी गई होगी. तो एक्सरसाइज में आप लोगों को देखिए मैंने क्या क्या करवाया है. पहली बात तो सभी बच्चों को स्टेप बेस्ड क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चन आंसर कराए हैं. उसके बाद एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो चार दिया हुआ है चेयरफुल एम्बिशियस ब्रेस ब्रेव केयरलेस, इनमें मैंने आपको दो दो चीज़ें छाट के भरनी है वो करवा दिया है. तो उसके बाद आ जाइए पेज पलटिए वर्किंग विद लैंग्वेज में आइए. इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ट्रम्बलिंग कन्फ्यूजन रेस्क्यू एक्साइटमेंट ये आपको फिलअप करना है. फिर स्टडी ए एंड पी को आपको रेडी करना है मेघनावास सेक्टर में. फिर आ जाइए आप इसमें मेघना वॉज स्वेप्ट अवे द वेव स्वेप्ट मेघना अवे हैं क्या करना है. स्टडी द सेंटेंस इन द कॉलम ए और बी के वाला आपको रीडिंग करनी है. और इसके बाद आ जाइए इसी में पीछे आ जाइए पेज पलटिए स्पीकिंग एंड राइटिंग से ऊपर मैंने वो भी आपको एक्सरसाइज करा दी है. तो बच्चों आज आपके लिए बेहतर होगा कि आज हम आपको सेंट्रल आइडिया लिखा देते हैं. और शायद आपके पास बच्चों मैंने सेंट्रल आइडिया द आंट एंड द क्रिकेट का नहीं लिखाया होगा. देख लीजिए बच्चों मैंने आंट एंड द क्रिकेट का जो पोयम थी मैंने उसका सेंट्रल आइडिया आपको नहीं लिखाया था. इसलिए आज हम आंट एंड द क्रिकेट का सेंट्रल आइडिया आपको लिखाने जा रहे हैं. तो सभी बच्चे ये सेंट्रल आइडिया मेरा जो ब्लैक बोर्ड पे हम लिखने जा रहे हैं सभी बच्चे इस सेंट्रल आइडिया को अपने कॉपी पे नोट करेंगे और बिल्कुल सही सही नोट करेंगे. एक भी बच्चा आपका उसको गलत
हाँ बच्चों, आज मैंने आज आपको वीडियो नंबर बच्चों वीडियो नंबर 16 और 17 में मैंने पहले आपको आठ डंडा किकर की एक्सरसाइज पहले भी बता चुके थे, एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया एक्सरसाइज का। और उसके बाद मैंने आपको जो है द पोएम थी द आठ डंडा क्रिकेट, वो हमने पूरा चैप्टर आपको लिखा दिया था, लेकिन सेंट्रल आइडिया मेरा रह गया था। तो आज हम आपको सेंट्रल आइडिया लिखा दिया। आप परेशान मत होइएगा, आपने जहाँ पर भी सुनामी चैप्टर ख़त्म किया है उसी के बाद आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख लीजिएगा पोएम नंबर डाल के। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों का क्लियर ना हो तो अभी हम आपको पिक भी इसकी सेंड कर दे रहे हैं, लेकिन बच्चों लिखिएगा सही, गलत मत लिखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू। और सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट रखते चलें। बच्चों मैंने बार बार आपसे कहा है कि बीच बीच के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आपके बीच बीच से ही आएंगे, तो आप लोग बीच रीडिंग चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए ताकि अंदर के क्वेश्चन आंसर आप अंदर से निकालने में समर्थ हो सकें। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल आपका नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा और नए चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको अभी हम बता